हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी साइड की। तो आज अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इस खड़ंजे पर, जो ये रोड आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये खड़ंजा लगा हुआ है। बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर मेज़रमेंट कैसे करते हैं और इसको कैसे लिखते हैं और शॉर्ट तरीका क्या होता है। तो आज मैं ज़्यादातर बताऊँगा किस तरीके से कैसे की जाती है इसकी मेज़रमेंट। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले एक डायरी होनी चाहिए और आपके पास मेज़रमेंट के लिए एक फीता होना चाहिए, लगभग 50 मीटर का हो या 30 मीटर का। आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बहुत सारी वीडियो कमेंट ऐसी आ रही थी कि फीता कैसा होता है, किस तरीके से नापते हैं, मीटर में नापना चाहिए या फिट में नापना चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो कार्य का नाम होता है, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर कार्य का नाम लिखना चाहिए आपको जिस जगह आप आए हो। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको ठेकेदार का नाम लिख देना चाहिए जिससे कि आपको याद रहे कि किस ठेकेदार की ये साइड है। ठीक है, एक्स वाई जेड हो गई। फिर उसके बाद सबसे पहले आप उधर दिखाइएगा कि सबसे पहले हमने वहाँ स्टार्टिंग कर दी गई है। अभी फ़िलहाल हमने वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट किया, वहाँ पर हमने नाप के, वहाँ फीता नाप के वो ले जा चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, 50 मीटर का हमने फीता एक पूरा कर लिया है। ये जैसा कि आप देख सकते हो 9 मीटर हमने नाप लिया है। और उसके बाद उसकी सबसे पहली जो जीरो पे चौड़ाई ली थी हमने 5.80 और प्लस 3 10 हो गई थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ 50 मीटर लिया, 50 मीटर के बाद फिर जो हमारी चौड़ाई आएगी पीछे से ही 3 10 और फिर नेक्स्ट हम वहाँ पर चौड़ाई लेंगे। ठीक है, बस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक 50 मीटर का फीता हो गया है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक फिर हमारा ये 27 मीटर नापा है हमने, जैसा आप देख सकते हो 27 मीटर के बाद फिर यहाँ पर चौड़ाई, जैसे लास्ट हम चौड़ाई लेते हैं, एक बार लगाना चौड़ाई देखना, यहाँ इस तरीके से ऐसे लगाया जाता है यहाँ चौड़ाई इस साइड से और इस साइड में। ये आप मीटर में देख सकते हो, यहाँ फीता ये मीटर में है, जैसे कि दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाना मीटर में, ये 3 मीटर आपको रेड में दिख रहा होगा, 3 लगाना भाई साहब, 3 20 जैसे आप दिख रहा होगा, 3 20 इस तरीके से चौड़ाई ली जाती है। और